आप में से ढेर सारे लोगों ने हज उमरा किया ना माशाल्लाह, वहां जाके अल्लाह के घर में खड़े होके भी अल्लाह के बंदों की कोताहियां नजर आती हैं। आपका क्या ख्याल है, जिसको पता ही नहीं था आने का अल्लाह ने उसे बुला लिया है? जो बिल्कुल आप मुबल्लिग होंगे, आप मुस्लिम होंगे, आप बड़ी बात होगी आपकी, लेकिन आप क्या समझते हैं अपने आप? रब रसूल के घर पहुंचकर काबतुल्ला में खड़े होकर तेरे ऊपर इतना जलाल भी तारी नहीं हुआ कि तू इस बात से डर जाए कि लोगों की कमियां ना देखे? रसूलुल्लाह की बारगाह में खड़े होके भी तुझे वहां आए हुए गुलामों में गलतियां नजर आ रही, और फिर तेरे पास इतनी फुर्सत कहां थी, तेरे अंदर जुर्रत कहां थी कि तूने अपनी नजरें महबूब की जालियों से हटा के लोगों की गलतियों पे जमा ली थी? ये भला कैसे हो गया तेरे से? क्या सिर्फ तकरीरों का मवाद ही जरूरी है? क्या सिर्फ गुफ्तगू के लिए जुमलों का तराशना ही जरूरी है? क्या हर वक्त तू कहां खड़ा था, देख तो सही। हजरत फजाइल इब्ने अय्याज़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, लाखों लोग आए थे उस साल, मेरे दिल में ख्याल आया, मेरी जिंदगी में हज का वो बहुत बड़ा इज्तिमा था, मेरे दिल में ख्याल आया इतने लोग आए हैं, पता नहीं हज किसका कबूल हुआ है किसका नहीं हुआ। मैं सोया, ख्वाब में मुझे कोई बताने वाला बता रहा था, फुजैल रब ने बुलाया ही उसको था जिसका उसने कबूल करना था। ये तो नहीं ना होता कि कोई सखी के दरवाजे तक आए, वो बुलाए, घर बुला के खाली भेज दे, जिसको उसने बुलाया है, मुझे अपने लफ्जों में कह लेने दो, जड़ा तोड़ ही आ गया है, इससे बड़ा दरवाजा भी और जड़ा तोड़ ही आ गया है, उसे भी अल्लाह कहेगा कि यहां के भी खाली जा, बस उसने जिसे बुलाया है ना उसे फिर झोली भर के अता फरमाया है। तुम क्यों ढूंढता फिरता है कि फलाना खड़ा ठीक नहीं था, फलाना बैठा ठीक नहीं था, फलाने का अंदाज ठीक है? कुछ चीजों की सलाह होती है, लेकिन उसका भी तो कोई अंदाज होता है ना, उसके अंदर भी तो कोई उसलूब होता है, उसमें भी तो कोई तरतीब होती है। आप कमजोरियां देखने जा रहे हैं।